बात करने वाले एक छोटे से इंसेक्ट के बारे में जिसका नाम है एक चींटी। और चींटी का लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बात करें चींटी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और उससे पहले अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं चींटियों के कान नहीं होते हैं तो वो सुनते कैसे हैं। चींटियों के जो पैर होते हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं और उनकी मदद से वो सुन पाते हैं। चींटियाँ कभी सोती नहीं है और ये बिना सोए काम करती रहती है। और ये दुनिया की ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि कभी सोते ही नहीं है। और तो ये चींटियाँ अपने से 20 गुना वजन भी उठा सकती है। और तो चींटियों के दो पेट होते हैं और एक पेट के अंदर ये अपने एक खाना रखते हैं और भरने के बाद ये दूसरे पेट के अंदर खाना रखते हैं, जिससे कि ये अपने दूसरी चींटियों को खाना बांट सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करने वाले मधुमक्खियों के बारे में जो कि काफ़ी मीठा शहद बनाती भी है और ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बट बात करें इनके कि काटने के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उससे ज़्यादा इनकी जान भी चल जाती है। तो चलिए समझते हैं, जब मधुमक्खी अपना डंक मारती है तो उसके अंदर से एसिड निकलता है और उस एसिड को हम एपोटॉक्सिन एसिड बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद स्वेलिंग स्टार्ट कर देता है और उसके बाद हमारा पूरा हाथ पैर सूजना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मधुमक्खी मर जाती है और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है और उसी कारण से उसका डंक वहीं पर फंसा रह जाता है और उसके बाद वो टंग टूट जाता है और उसी के कुछ घंटों बाद मधुमक्खी मर जाती है। तो वेल दोस्तों, अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।